हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। फिर हम क्लास शुरू करेंगे अपनी। गुड इवनिंग एवरीवन। Please let me know if audibility visibility is proper. All right. Rushi Shinde, please do not spread rumors. Rumors spread मत करो। कहाँ पर मैसेज आया कि ये क्लास नहीं होनी है? Right? क्लास हो रही है। MCQ quiz की क्लास है Unacademy के current affairs के चैनल पर। Right? ऐसा कोई कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि क्लास कैंसिल है। कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है ऐसी। प्लीज डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। ओके, किसी और क्लास को किसी और क्लास से लिंक मत करिए। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। सो टुडे इज 25th June 2020। वी आर गोइंग टू एनालाइज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर वी आर गोइंग टू एनालाइज द एमसीक्यू क्विज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रॉम PIBN इंडियन एक्सप्रेस। ये एमसीक्यू की क्लास है, ठीक है? दिस इज अ एमसीक्यू क्लास दैट इज ऑन अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। ये अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर क्लास है एमसीक्यू क्विज। डेली दिस क्लास इज कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 10 PM। 10 बजे ये क्लास डेली होती है। इस क्लास में कोई गैप नहीं होता, ठीक है? क्योंकि हाफ एन आवर की क्लास है जिसमें हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। मतलब आप जो करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो उसका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट मिस नहीं होगा। टेस्ट तो आपका टाइमली मैनर पे कंडक्ट होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। क्विज शुरू करते हैं। नाउ इन एवरी डे यू हैव टू मेंटेन अ स्कोर शीट। हर दिन आपको एक स्कोर शीट मेंटेन करनी है टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आपका जो प्रोग्रेस है हर क्लास में क्या नंबर आ रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है? एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 2 marks and for every incorrect answer there is a negative marking of 0.66, ठीक है? negative marking होती है 0.66 की, ठीक है? all right, so let's start the class. class शुरू करते हैं। before that here's a small announcement. now there is a comprehensive batch which Unacademy Plus has launched and I am also taking classes in this comprehensive batch. ये जो आपका bilingual GS batch है ना, इस पे मैं भी लूँगी classes जो कि होगा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, राइट? सो आपका एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 1, वी विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, वी विल स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक इन एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, ओके? ठीक है, तो आप एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री इस बैच में मैं क्लासेस ले रही हूँ। यू कैन सब्सक्राइब टू Unacademy Plus. 3 batches हैव बीन लॉन्च्ड। 1 इज अ बाइलिंगुअल बैच इन विच बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विल बी यूज्ड। देन there is hindi batch, separate hindi batch bhi hai, then there is separate english batch, okay? so i am taking classes in this bilingual batch. main is batch mein classes le rahi hu. so if you want to subscribe to Unacademy Plus you can subscribe and get 10% discount by using this referral code sharmayt10. sharmayt10 referral code use karke aap aaram se 10% ऑफ ले सकते हो। स्वाति एंड अजय कुमार, थैंक यू वेरी मच, बट आई विल बी टेकिंग द क्लासेस, डोंट वरी। अपने यूट्यूब चैनल पर द हिंदू की क्लास कल से रिज्यूम हो रही है, डोंट वरी। जितना भी बैकलॉग हुआ है उसको माइंड मैप फॉर्मेट में आई विल कवर टुमारो, ओके? डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम गोइंग टू टेक द हिंदू क्लासेस ऑन माई यूट्यूब चैनल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो आप अभी तक थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा ही मैनेज करना है खुद से। 3 दिन का बैकलॉग हुआ है ना, वो मैनेज कर लो 3-4 दिन का, बाकी वो भी कल कवर हो जाएगा, डोंट वरी। उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अपना रेगुलर पढ़ते रहो, जो इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स है आई विल कवर टुमारो, ओके? डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस। थोड़ी सी इश्यूज हो जाते हैं तो क्लास में डिले हो जाता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू रिज्यूम द क्लास फ्रॉम टुमारो, ठीक है? वेरी गुड मिस्टर पटेल, सी दीज आर दी स्टूडेंट्स हु एनकरेज अस टू मेक बेटर क्लासेस, क्योंकि वो खुद से स्पून फीडिंग पे बिलीव नहीं करते, खुद से अपनी मेहनत कर रहे हैं। वेरी गुड मिस्टर पटेल, वेरी गुड अजय एंड स्वाति, राइट? दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड। सो sharmayt10, इफ यू वॉन्ट टू गेट डिस्काउंट ऑन योर Unacademy Plus, तो आप sharmayt10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको इजिली 10% डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के क्लास शुरू करते हैं।
ऑल्सो यूपीएससी समिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून 26। रिमेंबर कल से यूपीएससी का समिट स्टार्ट हो रहा है एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक इज ऑल्सो गिवन। इट्स अ फ्री समिट, इट इज बींग ओपन बाय ओपन अप। इसका इनॉग्रेशन कौन कर रहे हैं? श्री प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कपिल देव इज गोइंग टू कम, देन किरण बेदी मैम, देन शशि थरूर सर, कपिल देव सर, जयराम रमेश सर, IPS officers, IAS officers, there are so many people, very prominent people, 50 plus speakers are coming to guide you in your journey. आपकी journey में आपको guide करने 50 से ऊपर keynote speakers आने वाले हैं, right? So you can for free enroll in this summit for a proper guidance towards your exam. ऐसा पहले नहीं हुआ है कभी, ठीक है, कि आपको former president, ex UPSC chairman face to face guidance दे। तो आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का अच्छे से भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन एलिफेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन एलिफेंट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेरी केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है? वेरी केयरफुली रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर देम। ये आज की न्यूज है, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस में आई है। Yes, CIBI, excellent, excellent statement. Thank you so much for the motivation. Thank you. Now answer this question. Sumit is saying it is C. Arushi is saying C. Swati is saying C. Pratik is saying C. Akash is also saying C. Sagar Sinha is also saying C. Vikash Kumar, Pree Sharma and Anjali Kumari is also saying C. Correct answer to this question is everybody is saying C. CIBI bhi C bol rahe hain aur Mr. Patel bhi. Very good. Correct answer is C. Both statements 1 and statement 2 are correct. Dono hi statement absolutely correct hain. According to the census report, which is released by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, population estimation of Asian elephant in India is 27,300. And Karnataka is the state which has the highest number of elephants, followed by Assam and then Kerala. Remember the three states, top three states yaad rakhna, theek hai? Aapko top three states yaad rakhne hain in case of ancient elephants. It is Karnataka, then comes Assam and then comes Kerala. ठीक है, तो के ऐसे याद कर सकते हो, काक, ठीक है? सो एशियन एलिफेंट इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट एंड IUCN स्टेटस ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट इज वल्नरेबल। ठीक है, तो आपका जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो वल्नरेबल है और एंशियंट जो आपके एशियन एलिफेंट्स हैं वो आपके इंडेंजर्ड है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना आपके अपने प्रिलिम्स के लिए, दे कैन कंफ्यूज यू by pointing out these IUCN status of African elephants, right? तो आपको याद रखना है, African are vulnerable, Asian are endangered, ठीक है? Question number 2, consider the following statements. GDP growth rate in India has declined successively from 2016-17 to 2019-20. In the last 10 years, India has not crossed GDP growth rate of 8%. Which statement is correct? Again, ये आज के newspaper की news है. It is taken from today's newspaper only. अजय कुमार सिंह ए, Sumit Verma is saying A, Arushi is also saying A, Okay.
Mr. Patel is saying C. CIBI is saying D. Akash Shaw C. Neha Chauhan C. Pradeep Yadav. Pri Sharma is saying A. Sonal is saying B. Vikash Kumar is saying A. Anjali Kumar is saying A. Swati is saying A. All right. Pratik is saying A. So the correct answer to this question is, इस question का correct answer है, it is A. A is the correct answer. How many students answered it correctly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus students have answered it correctly. A is the correct answer. Right? So, agar aap second statement dekhoge, it is not 8%. Growth rate of 3.1% in quarter 4. It was the lowest since the quarter 3 growth rate. Right? So, second statement is incorrect. First statement is correct. Theek hai? Now, very important and very easy question. Ye toh bahut hi zyada easy question hai. The Omali Elephant Reserve, recently seen in news, is located in Assam, Arunachal Pradesh, Kerala or Karnataka? Answer the question. Jaldi se answer karein question ko. Answer the question. Pradeep Yadav is saying C. Ajay Kumar is saying B. Arushi Verma is saying B. Pri Sharma B. Akash Shaw is saying C. Shivani Rawat is saying B. अंजलि कुमारी सिंह बी, प्रतीक शिंदे भी बी बोल रहे हैं और विकास कुमार भी बी बोल रहे हैं. स्वाति इज आल्सो सिंह बी. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बी. सीआईबीआई भी बी बोल रहे हैं. वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस न्यूज? आप में से कितने बच्चों ने इस न्यूज को पढ़ा था बताओ जरा. हाउ मेनी ऑफ यू रेड दिस न्यूज? कितने बच्चों ने ये न्यूज पढ़ा था? नॉट रेड. ओके. सलेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट. इट इज वन ऑफ मोर देन टू डजन पीआरएफ्स इन द डेइंग पटकाई एरिया. टेकन टुगेदर दे फॉर्म अ कॉन्टिग्यूस फॉरेस्टेड लैंडस्केप दैट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द देवमाली एलिफेंट रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पॉइंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलिफेंट रिजर्व, they are asking question on tiger reserves and elephant reserves. ये लोग tiger reserve और elephant reserve पे बहुत questions पूछ रहे हैं. And continuously for the last 4 years they have been asking this question. लगातार last 4 साल से पूछे जा रहे हैं question. Okay? So you have to prepare these reserves very diligently. Now सारे reserves नहीं पढ़ने हैं. Now you must be scared, ma'am. सारे reserves पढ़ने हैं? No. Only those reserves which are in news. जो news में है ना last 1 years में वो आपको पढ़ने हैं. ठीक है? Now question number 4, consider the following statements regarding bio rock or mineral accretion technology. Read the statement very carefully, right? Isko bahut hi carefully aapko padhna hai statement ko. Read the statement very carefully and then answer. Biorock or mineral accretion technology can be used to restore coral reefs.
Biorock is the name given to substance formed by electroaccumulation of minerals dissolved in seawater on steel structures that are lowered onto the seabed and are connected to power source. It results in formation of calcium carbonate. Which statement is correct? Read it very carefully. Ajay Kumar is saying D. Sumit Verma A. Shivani Rawat D. Prateek Shinde. Sonal Agrawal D. Rohit A. Chavi Yadav D. Correct answer to this question is D. Very good. Correct answer is D. Very good everyone. That is all of the above statements are correct. Sabhi statements correct hain. Biorock is the name given to the substance formed by electroaccumulation of minerals which are dissolved in seawater on steel structures that are lowered onto the seabed and are connected to power source. Okay. Now, fragments of broken corals are tied to the biorock structure where they are able to grow at least 4 to 6 times faster than their actual growth. Now, this topic was in news in the Indian Express and PIB. Ye aapke PIB aur Indian Express mein news mein tha. ठीक है, सो डेली रीडिंग ऑफ पी आई बी इज इंपॉर्टेंट. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम वी डू नॉट रीड इंडियन एक्सप्रेस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ बायोरॉक. तो घबराने की बात नहीं है, जो न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में होती है वो दो तीन दिन बाद वो टॉपिक हिंदू में भी आ जाता है. द टॉपिक विच इज इन न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस आफ्टर 2-3 days और द टॉपिक विच इज इन न्यूज इन पी आई बी आफ्टर 2-3 days दैट टॉपिक अपियर्स इन द हिंदू न्यूज पेपर ऑल्सो. ओके, सो वेरी केयरफुली यू हैव टू स्टडी द न्यूज पेपर्स. बहुत ही केयरफुली आपको न्यूज पेपर डेली कंसिस्टेंट अपनी हैबिट बनानी है. राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसिस्टेंट इन न्यूज पेपर रीडिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आप में से कितने बच्चे न्यूज पेपर रीडिंग में कंसिस्टेंट हो, मतलब एक दो दिन कभी मिस नहीं होता, डेली आप पढ़ते हो, या तो पढ़ो या नोट्स बनाओ, बट इन रीडिंग यू आर कंसिस्टेंट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. बताएं जरा कितने बच्चे कंसिस्टेंट है न्यूज पेपर रीडिंग में. प्रतीक शिंदे, बायोरॉक का क्वेश्चन आज ही आया है न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो इसलिए आज का क्वेश्चन है. न्यूज़पेपर नहीं आता प्रदीप यादव, अगर न्यूज़पेपर नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल्स हैं, राइट, द हिंदू जोन करके, देयर इज अ टेलीग्राम चैनल द हिंदू जोन, यू कैन गेट फ्री पीडीएफ ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर. ओके, आपको पता है कि फ्री न्यूज़पेपर मिलता है, एक्सक्यूज नहीं देना, ठीक है. There are students who are reading newspaper online because offline lockdown के वजह से newspapers आ नहीं रहे हैं, right? Daily morning 8 am, very good Ajay. Pri Sharma, Indian Express, very good Pri. Explained pages, very good. Swati, YouTube पर daily, okay, very good Swati. Okay, Vikash Kumar is saying Vikash reads the newspaper daily, very good Vikash. Question number 5. Consider the following statements regarding Convention on Migratory Species. CMS, it is an environmental treaty of UN that provides global platform for conservation and sustainable use of migratory animals and their habitats. Pradeep Yadav, देखो इस वक्त आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी रिसोर्स मिले आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है. अपॉर्चुनिटी मिस्ड मीन्स टाइम वेस्टेड, जहां अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मतलब टाइम वेस्ट, एक्सक्यूज नहीं देने कहीं भी. In your preparation, never give excuses कि मैम ऑफलाइन में बात नहीं है, ऑनलाइन में बात नहीं है. नहीं, जहां से आपको मैटर मिल रहा है अपने पढ़ाई के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए उसे, राइट. लुक एट दी अपॉर्चुनिटीज, नॉट योर कम्फर्ट लेवल. कम्फर्ट लेवल नहीं देखना, ठीक है. जहां पर कम्फर्ट आ गया वहां पर डेडिकेशन लो हो जाती है, ठीक है, और जहां कम्फर्ट नहीं देखोगे वहां डेडिकेशन एकदम हाई हो जाएगी. ओके,
It is not only global convention specializing in conservation of migratory species, their habitats and migration routes. CMS brings together states through which migratory animals pass the range states and lays the legal foundation for internationally coordinated conservation measures throughout a migratory range. Which statement is correct? You have 45 seconds time. आपके पास 45 seconds का time है answer करने का. आराम से question पढ़ो, फटाफट answer करो. अजय कुमार is saying it is B. Mr. Chaitra is saying B. आकाश शॉ भी B बोल रहे हैं. सुमित वर्मा D. तमिल 65 is saying B. CIBI is saying A. स्वाति is saying it is B. विकास इज सेइंग इट इज डी. प्री शर्मा इज सेइंग इट इज डी. योगेंद्र कुमार डी. प्रदीप यादव डी. रोहित इज सेइंग बी. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज बी. Chavi Yadav is also saying B. Very good, Chavi. Correct answer is B. Correct answer is question ka hai B. So, it is statement 1 and statement 3. Ye do statements correct hain. So, when we talk about statement 2, it is wrong because it is the only global convention. Not statement galat hai. ठीक है. तो CMS जो है ये एक लौती ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करने का काम करती है, उनके माइग्रेशन रूट्स को कंजर्व प्रोटेक्ट करती है, उनके हैबिटेट जहां वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, ये एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोटलाकोंडा साइट. Now this question came in the month of December. ये हमने December से उठाया है. 2019, the Hindu newspaper. Totlakonda site is the sacred place of Buddhist, also the Indian Express. Recently it was in news as Mahastupa at Totlakonda collapsed due to heavy rains. Which statement is correct? कौन सा statement correct है जरा बताएं. You have 15 seconds time, 15 second ka time hai. This question belongs to ancient history. Ye ancient history ka question hai. Answer this question, patapat se answer karo is question ko. 5 seconds time left, 5 second ka time bacha hai. Ms. Chaitra is saying it is C. Chavi Yadav is saying C. Shivani is saying it is C. Shivani Rawat. Three students are marking it C. Swati is also saying C. Pradeep Yadav, Sumit Verma, Vikash Kumar is also saying C. Correct answer to this question is, is question ka correct answer hai Sonal, Rohit, Prateek. Correct answer is C. Very good everyone. Very good. Excellent. Plus 2 marks. Correct answer is C. Both statements 1 and 2 are correct. Totlakonda, it is a Buddhist site. Kaun se religion ko belong karta hai? Buddhism, right? It is a sacred place of Buddhist. It is going to be renovated as a meditation center. Tourist ke liye meditation center ke taur pe isko renovate kiya jayega. Theek hai? Question number 7. Now it is related to your coronavirus also. Because aajkal kya ho raha hai? Jinko coronavirus hai, unko pneumonia bhi hota ja raha hai. अगर कोल्ड एग्रावेट होता है तो वो निमोनिया का फॉर्म ले लेता है. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निमोनिया. निमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स. निमोनिया इज सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड इट इज ओनली प्रिवेंटेबल नॉट ट्रीटेबल. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ जरा.
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर करो। प्री शर्मा जल्दी सेवेंथ का आंसर दो। शिवानी सिंह सी, आकाश शॉ, मिस्टर पटेल, आरुषि वर्मा, स्वाति वनवाल, प्रदीप यादव, चैत्रा, अजय कुमार, छवि यादव, रोहित, एवरीबडी सिंह सी। करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। प्लस 2 मार्क्स, दैट मीन्स नाउ अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग। अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अवेयरनेस बढ़ रही है। वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट। करेक्ट आंसर इज सी। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट एक्सेप्ट फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लीविंग बिहाइंड द फोर्थ स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग न्यूमोनिया सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड दिस इज वेरी इन्फेक्शियस। द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर बैक्टीरिया, वायरस एंड पंगाई। दैट इज वाई इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, चांसेज आर हाई कि उसे निमोनिया भी अटैक कर सकता है। ठीक है, क्लियर। नाउ हियर निमोनिया, द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज ओनली प्रिवेंटेबल नॉट ट्रीटेबल। नो, दैट इज रॉन्ग। इट इज ट्रीटेबल, ये ट्रीटेबल हो गया है अब। ठीक है, इट इज वेरी मच ट्रीटेबल नाउ। सो इतना डरने वाली बात नहीं है निमोनिया से। अगर आप प्रिकॉशन लेते हो, मेड्स टाइम टू टाइम लेते हो, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इज अ फेडरल एंटी टेरर एजेंसी क्रिएटेड इन इंडिया, मॉडल्ड ऑन द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ऑफ USA। NatGrid is an intelligence sharing network that collates data from standalone database of various agencies and ministries of the Indian government. And NatGrid is a post-Mumbai 2611 attack measure. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? फटाफट से बताएं। Which statement is correct? एट्थ क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताएं। फिफ्टीन सेकेंड्स टाइम लेफ्ट, 15 सेकेंड का टाइम बचा है। योगेंद्र इज सेइंग इट इज ए। अजय कुमार इज सेइंग बी। नवरंग इज सेइंग इट इज सी। रोहित इज सेइंग इट इज सी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुमित इज सेइंग बी। विकास इज सेइंग डी। सोनल अग्रवाल, शिवानी, CIBI, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट इज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। ओके, सो NatGrid, इट इज काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम। ठीक है, ये एक काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम है। And it is a proposed federal anti-terror agency to be created in India. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 9, ई संवाद पोर्टल। दिस इज वेरी फेमस टॉपिक, ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है। PIB में भी आया है, न्यूज पेपर्स में भी आया है। ई संवाद पोर्टल, अ प्लेटफॉर्म फॉर NGO सिविल सोसाइटी टू इंटरेक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। India's first G2B portal. It is a government service portal to inform citizens about various government service under various ministries. Platform for NGO civil societies to interact with Ministry of Women and Child Development. Which statement is correct? Very easy question. ये है आज का bonus question. This is today's bonus question. Let's see how many of you have studied the newspaper recently.
देखते हैं कितने बच्चों ने ई संवाद पोर्टल को पढ़ा है। ये तो बहुत ही फेमस है टॉपिक। जल्दी से आंसर करिए। छवि यादव इज सेइंग सी, सुमित वर्मा इज सेइंग डी, अजय कुमार नवरंग इज सेइंग डी, कल्पेश यादव डी। ओके, कल्पेश यादव इज सेइंग सी, स्वाति इज सेइंग सी, नवरंग गेमिंग इज सेइंग सी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। All right, it is a platform for NGOs and civil societies to interact with the Ministry of Women and Child Development. D is the correct answer. Okay, e-samvad is an initiative of Ministry of Women and Child Development to provide platform for NGOs and civil society to interact with ministry on relevant subjects. That is e-samvad. Samvad means communication, dialogue, जो talking हम करते हैं, बात जो करते हैं, ठीक है, उसको हम संवाद कहते हैं. When we कम्युनिकेट, दैट इज संवाद. ओके, क्लियर. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एपीईसी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर पैसिफिक रिम मेंबर इकोनॉमीज दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल मल्टीलेटरल ब्लॉक्स and oldest forums in the Asia Pacific region. China, Russia and India are the members of APEC. Which statement is correct? कौन सा statement correct है, जरा जल्दी बताएं. Which statement is correct? Answer it very carefully. बहुत carefully इसको answer करना है. प्री शर्मा इज सेइंग डी, अजय कुमार इज सेइंग सी, आकाश शॉय इज सेइंग डी, आरुषि वर्मा, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी. स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर थ्री इनकरेक्ट है. ओके, इट इज सेड दैट चाइना, रशिया एंड इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ एपीईसी. इंडिया हैज रिक्वेस्टेड फॉर द मेंबरशिप. इंडिया इज नॉट अ मेंबर. अभी इंडिया मेंबर नहीं बनी है, उसने रिक्वेस्ट किया है मेंबरशिप के लिए. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, क्लियर. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. दिस वाज टुडेज टेस्ट. आई होप यू एंजॉयड. आज का टेस्ट आपको अच्छा लगा हो, राइट. इफ यू एंजॉयड टुडेज टेस्ट देन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद अदर एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एमसीक्यू टेस्ट अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप डेली ये क्लासेस देख सकें. एंड यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज फॉर द क्लास पीडीएफ. क्लास का पीडीएफ वहाँ अपलोड हो जाता है, राइट. तो आप उसको ज्वाइन